सो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज है हम चंपावत में, तो इसी जगह खड़े होकर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मतलब पहले दारमा में भी इसी छत से यहीं जगह खड़े होकर और स्टार्ट किया था वो वाला ब्लॉग। तो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ उत्तराखंड अनलीस्ड, और हम हैं चंपावत में। तो देखो चंपावत कितना तगड़ा हो रहा है और क्या वेदर हो रहा था। सीरियसली रात भर बारिश गिरी है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। इस तरफ हैं बादल काफ़ी ज़्यादा बेमान, तो सही है। आज का प्लान है धारचूला जाने का, तो देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि रोड्स वगैरह जैसी हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें। तो चलो चलते हैं और आगे की बात करेंगे बाइक पे। तो देखो कितना कूच है ये। ओए छोटू, हेलो बेबी, कहाँ हो गए? चेको बाहर नहीं जाना, ठंडी है बाहर। हाँ छोटे, चल अंदर 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 चलेंगे छोटू, अंदर 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 अंदर। नहीं नो। सो निकलने के लिए है रेडी चंपावत से, एंड थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सामान वगैरह तो मैंने बांध दिया था, लेकिन अब बारिश हो चुकी है स्टार्ट, तो निकलते हैं। अब पूरा गेयर्ड अप होके ही एकदम रेनकोट वगैरह पहन के ही निकलना पड़ेगा, और स्लीपिंग बैग को भी मैंने ट्राई बैग में डाल दिया है, तो वो सही हो गया है। और अपना टैंक पाउच तो है ही, तो उससे फ़ोन भी सेफ रहेगा। सो लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से धारचूला की तरफ। मौसम तो बहुत ख़राब है, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज। ये आवाज़ आ रही होगी आपको बादलों की, और बहुत ही भयानक मौसम हो रहा है। और हमने सोचा है आगे निकलने का, तो देखेंगे अगर पिथौरागढ़ तक पहुंच पाए तो वहीं स्टे ले लेंगे, अगर ज़्यादा ही बारिश लगेगी तो। जैसे पिथौरागढ़ में शायद कम है, एंड ऑडियो से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया मोड गीला कर नहीं सकते, एंड हमारे ग्लव्स हमें बचाएंगे हाथों को। तो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। रुकते रुकते जाएंगे अगर प्रॉब्लम आएगी तो, या ज़्यादा डेंजरस लगेगा तो कहीं स्टे ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। जय श्री महाकाल, रक्षा करना भगवान। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल जो कड़के थे अभी वो तो सुने ही थे आप लोगों ने। जय श्री महाकाल। पेट्रोल भी डलवाना है अपने को? पीछे लूँ मैं क्या? नहीं, मेरे पीछे सीढ़ी है। तो फ्यूल अप करवा लिया है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, मतलब रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। अब देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाएंगे ऐसी बारिश के साथ। बंदो बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, और हालत हो रही है ख़राब हम लोग की। तो हमने सोचा है कि पिथौरागढ़ जाके ही रुक जाएंगे। ये पता नहीं ग्लव्स भी आज काम नहीं किए, अंदर पानी आ ही गया और पूरे गीले हो गए, तो हालत हो रही है ख़राब। एक घंटा और चलेंगे और फिर पिथौरागढ़ ही रुक जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा वो। और कल करेंगे कंटिन्यू, कल का वेदर थोड़ा ठीक है। ओके, कैसा पानी आ रहा है इसमें से भी।
तो देखो कितना तगड़ा वाला नज़ारा हो रहा है यहाँ का। मैं एक ड्रोन शॉट ऐड कर दूंगा जो मैंने पहले लिया था। और ये देखो क्लाउड जार, सीरियसली उस ब्रिज से आए हम और थोड़ी सी देर में कितना ऊपर चढ़ गए। तो क्या हालत हो रही है यार, सीरियसली इतनी तेज़ बारिश ही बारिश है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो हमारी बाइक्स बढ़िया लग रही हैं, एकदम सुंदर, वाह। तो ये सही है, अब थोड़ा ही और बाकी होगा आई थिंक पिथौरागढ़। ठंड भी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेंगे करते रहेंगे और क्या। क्यों भैया क्या हो गया? मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ यार, कैमरे की बैटरी भी ओके है, चल तो रहा है। हमने सोचा यहाँ चाय मिल जाएगी लेकिन कहीं और ही रुक गए। चलो आगे चलते। तो बंदो आ चुके हैं पिथौरागढ़ में और अब ढूंढ रहे हैं होटल कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 4 बज रहे हैं अभी। तो दैट इज़ गुड, फटाफट लेते हैं होटल एंड कुछ खाएंगे। तो सामने वाला देखा है होटल मॉल पैलेस, ठीक कैसा होता है, गुड मॉर्निंग बंदो। सामान आ गया, कितना सामान है देखो एक बार। पूरी लिफ्ट भर दी है। तो यहाँ खड़ी हुई थी हमारी बाइक्स, मैंने तो कवर भी कर दिया था, अब निकालते हैं इसका कवर। शानदार वाली थार भी खड़ी है अपनी यहीं पे, नाइस पार्किंग। और ये है व्यू पिथौरागढ़ का, ये था हमारा होटल, होटल मॉल पैलेस। गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हम पिथौरागढ़ में और पैक वगैरह हो गई है बाइक। ये था हमारा होटल द मॉल पैलेस और काफ़ी बढ़िया होटल था, रूम्स वगैरह भी अच्छे थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और दारमा में आज स्नो के बहुत बहुत चांसेस हैं, तो मज़ा आएगा। विंडस्क्रीन मैंने निकाल दी है, एक्सटेंडर जो होता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए व्यू में और व्यू बढ़िया दिखे हमारी वादियों का। तो माइक अभी लगा नहीं सकते क्योंकि गोप्रो पे वाटरप्रूफिंग चली जाती है उसमें फिर, और फिर वो प्रॉब्लम दे देता है, तो इसलिए वो रिस्क लेंगे नहीं। हाथ के कल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी रबर ग्लव्स लेने चले जाएंगे मार्केट में और फिर निकलेंगे धारचूला के लिए। तो वो पतले वाले ग्लव्स के ऊपर पहनूंगा मैं, वही वही ये वाले चाहिए होंगे, नहीं आया यार। ये सबसे बड़े आते हैं, ये मतलब सबसे बड़ा साइज है ये। जी हाँ, ये 39,000 का जो ऑर्डर है। ये वाटरप्रूफ रहते हैं पूरे? हाँ जी वाटरप्रूफ ही, बजे बजे जाने वाले। ठीक है परफेक्ट, कितने के हैं ये? 85। दो दे दीजिएगा, एक तो कल्लू भैया वाली। ग्लव्स के ऊपर से नहीं आएंगे ये, पता है
तो खत्म मेरे तो आ गए हो खाना तो देखो क्या जगह केक खा रहे हैं हम लोग और पूरा फॉग ही फॉग है आसपास। वाह बहुत ही सही। और धारचूला रह गया होगा लगभग लगभग 64 किलोमीटर्स, एक घंटा डेढ़ घंटा लगना चाहिए और बस बारिश ऐसी चलती रहे धीरे धीरे तो मज़ा आएगा। देखो क्या मंजर हो रहे हैं यार तगड़े, इतना ज़्यादा फॉग हो चुका है अभी। ये वैसे फॉग भी नहीं है, ये सारे क्लाउड्स हैं जो बढ़िया ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर। ये देखो ब्यूटीफुल। तो बंदर निकलते हैं इस ब्यूटीफुल सी प्लेस से और ये देखो हमारे ग्लव्स ये बचाएंगे बारिश से, तो परफेक्ट। और लगा दिया है हमने अब दूसरा कैमरा भी तो सही रहेगा। वाह क्या लग रहा है यार, ब्यूटीफुल एकदम नाइस। तो बारिश बिल्कुल ही रुक गई है। हल्की हल्की है ये बात भी है। वाओ बहुत खूबसूरत। हाँ बीच में ना बहुत ही शानदार बाय वॉक। हाँ रोक लो यहाँ ड्रोन शॉट ले लेते हैं। तो कैसी लगी ये प्लेस और कैसे लगे यहाँ के ड्रोन शॉट्स ये ज़रूर बताना। एंड अब निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम लोग, सीधा धारचूला पहुँचना है। लेट्स सी, बहुत डेंजर है। तो यहाँ पिछली बार लैंडस्लाइड में फंसे थे हम लोग लगभग 2.5 से 3 घंटा और अभी भी ये रोड ऐसा ही है, थोड़ा डेंजरस सही काम वाम चलते ही रहता होगा यहाँ पर। सबसे बेस्ट बताऊं एक तरीका, आगे का टायर हिलाते हुए इसको दे देते हैं ना साइड, फिसल रहा है टायर।
छुट्टी चढ़ रही है जुपिटर। और क्या रोड चल रहा है यार, थंबनेल होती सही और क्या। गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरी जगह और बारिश भी आ रही है, रुकने का नाम है नहीं बारिश का। और ये है कुछ नेपाल के घर, यहाँ चल रही है काली नदी। और आ चुका है वापस ऑफ रोड, ऐसे ही चल रहा है तब से। ये आ चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी पेट्रोल पंप पे एंड ये है धारचूला में। इसके आगे कोई पेट्रोल नहीं मिलेगा तो देखते हैं कितना किलोमीटर है। एक बार भैया से पूछेंगे अगर जेरी कैन में लगता है तो एक लेके चले करेंगे। तो बंदे पहुंच चुके हैं धारचूला एंड अभी भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। तो दोस्ती में हमने जिनसे बात करी है वो बोल रहे हैं कि आज बारिश है तो रुक जाओ धारचूला में। हमने बोला है कि तो हम लोग हैं धारचूला में एंड यहाँ पे भी बज गई है हमें 4, तो हमने सोचा यहीं पे स्टे कर लिया जाए और थोड़ा रेस्ट करके कल सुबह ही जल्दी निकलेंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है। और ये देखो व्यू कितना तगड़ा लग रहा है। अभी अगर होता है हम जाते हैं नेपाल वाले साइड पर एंड थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये देखो व्यू कितना तगड़ा है यार, यहाँ से वो है नेपाल, बहुत सुंदर, क्या बात है। चूचू तो छोटा चूचू है यार। मम्मी ऊपर चली गई यार, मैं कैसे लाऊंगी इसको। आ जाओ, नहीं आएगी। हेलो। हाँ पांडे जी। हाँ जी भैया जी बोलिए। नहीं नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे, अब क्या कर सकते हैं। कहाँ पे हो फिर आप? अभी हम यही खाना खा के बस निकले ही हैं तो हम नीचे ही आ रहे हैं होटल तरफ, फिर आपको फोन करते हैं होटल लेकर। ठीक है, इसमें ये पार्किंग भी वहाँ पे है। कहाँ पे? कांगरी में ना। हाँ ठीक है, मैं बस नीचे उतर ही रहा हूँ अभी, तो नीचे उतरते से फिर मैं वहाँ पे आके आपको फोन करता हूँ। तो बंदो हम निकल चुके हैं रोड पे और इस बार निकले हैं पैदल सीधा जाने के लिए नेपाल में। तो अभी है धारचूला में, होटल में सामान वगैरह रख दिया और बाइक वगैरह से पैक कर दिया भैया, और अब जा रहे हैं नेपाल के अंदर। लेट्स गो। आधार कार्ड दिखा के हम एंटर हो चुके हैं नेपाल के अंदर और ये ब्रिज जाता है नेपाल में सीधा। ये देखो, ये इंडिया से जा रहे हैं नेपाल। ये देखो क्या लिखा है, वेलकम टू नेपाल, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए नेपाल से, जस्ट ये चेक पोस्ट था। तो अब हम घूम रहे हैं नेपाल में और ये वो ब्रिज है जो नेपाल से इंडिया आता है, मतलब इंडिया से नेपाल। तो हम आए यहाँ से और यहाँ तक कोई चेकिंग नहीं हुई, सिर्फ एक आधार कार्ड मांगा और सिर्फ नॉर्मल सी एंट्री करी, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं नेपाल को, वैसे तो कर ही रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो वैसे ये वो नदी है काली नदी जिसके बारे में मैंने हमेशा बताया है, ये डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। एंड अभी हम घूम रहे हैं बढ़िया नेपाल में, कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक आधार कार्ड लगा है और वो भी सिर्फ नॉर्मल एंट्री के लिए। और ये देखो व्यू कितना तगड़ा हो रहा है, वाह।
सो बंदो नेपाल आ तो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। बस घूम रहे हैं थोड़ा बहुत और ब्रिज वगैरह देख रहे हैं। अब बादल वगैरह बहुत प्यारे हो रहे हैं। यहाँ से अपने देश को देखना अलग ही बात है। तो ये देखो क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। और क्या ब्रिज लग रहा है ये जिस पे आए हैं, बहुत ही तगड़ा। कुछ काम वगैरह चल ही रहा है इंडियन साइड पे, तो अपनी साइड पे हम जा रहे हैं घूमने के बाद वापस। और हमारे साथ आ गए थे प्रकाश भाई भी। प्रकाश भाई हेलो कर दीजिए। हेलो। तो हम जा रहे हैं वापस इंडिया नेपाल से। अब थोड़ा बहुत घूम लिए, चलो